इनोवेशन के लिए लिमिट इज द स्काई। कल बच गई थी डिनर में इडलीज, आज बना रही हूँ इडली फ्राइज। स्वागत है आपका मेरी किचन में, जहाँ खाना प्यार से बनता है, और मैं हूँ आपकी दोस्त रूपम सेतिया। हम यूजुअली इडलीज खाते हैं सांबर या चटनी के साथ, पर आज जो मैं बनाने वाली हूँ वो है इडलीज की बहुत डिफरेंट रेसिपी, इडली फ्राइज। और इसे मैं बनाने वाली हूँ रात की बची हुई इडलीज से। अब बच्चों को अगर सेम इडलीज खिला दूँ सांबर के साथ तो कोई खाने को तैयार नहीं होगा, पर ये वाली रेसिपी सारे उड़ा जाएंगे। तो देर किस बात की है, आइए बनाते हैं सुपर इजी सुपर टेस्टी इडली फ्राइज। इसे बनाने के लिए मैंने लिए हैं इडलीज, जिसे मैं अब पोटैटो वेजीज की तरह लंबा लंबा काट लूंगी। नेक्स्ट मैंने यहाँ पे एक बोल लिया है और इसके अंदर डाल रही हूँ मैं एक कटोरी मैदा, साथ ही में डाल रही हूँ मैं एक कटोरी कॉर्नफ्लावर, और साथ ही में डाल रही हूँ मैं इसके अंदर नमक। मैंने डाला है यहाँ पे आधा चम्मच नमक। इन सबको मिक्स कर लेंगे। इसे मिक्स करने के बाद मैं डालूंगी इसमें थोड़ा सा पानी और हम इसका एक गाढ़ा पेस्ट बनाएंगे। मैंने पानी अभी थोड़ा ही डाला है, ज़रूरत के हिसाब से मैं इसमें और डाल दूंगी। ये मेरा लंप फ्री बैटर बिल्कुल रेडी है। ये ना ज़्यादा पतला है और ना ही ज़्यादा गाढ़ा है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक मसाला। इसे बनाना बहुत ईजी है, बस मैं डाल रही हूँ इसके लिए एक चम्मच चाट मसाला और आधा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर, और इसको हम मिक्स कर रहे हैं। ये मसाला बनाने में जितना सिंपल है, फ्राइज़ के ऊपर ये उतना ही टेस्टी लगता है। अब हम बनाएंगे इसके लिए एक सॉस, जिसके लिए मैंने यहाँ पे लिया है मेयोनीज, और इसके अंदर मैं डाल दूँगी टोमेटो केचप। मैंने यहाँ डाली है 3 चम्मच टोमेटो केचप और हम इसे मिक्स कर देंगे। इसमें थोड़ा सा और फ्लेवर ऐड करेंगे और इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी सीजनिंग। ये मिक्स्ड हर्ब्स हैं, अगर आपके पास ये हैं तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप प्लेन ऑरिगैनो भी डाल सकते हो। इसे भी मैं इसमें मिक्स कर दूँगी। ये देखिए हमारी बहुत ही टेस्टी सी डिप भी रेडी हो गई है। ऑल सेट नाउ, अब हम इनको डीप फ्राई कर लेंगे। तो ये मैं ले रही हूँ जो हमने घोल बनाया था, उसके अंदर इडली को डिप करेंगे एंड स्ट्रेट इन द ऑयल। इसे हम जब डालते हैं ना तो ये यूजुअली ऐसे चिपक जाते हैं, तो इनको हम अलग अलग कर लेंगे। ये देखिए मैंने इनको अलग कर दिया है। मैंने इन्हें 5 से 7 मिनट तक फुल पे ही तला है और अब ये गोल्डन हो चुके हैं थोड़े, तो मैं इन्हें निकाल लूंगी। ये मेरे सुपर क्रिस्पी फ्राइज बिल्कुल रेडी हैं और अब जो मसाला हमने बनाया था, ये मसाला मैं इसके ऊपर ड्रिजल करूंगी। और इन सब को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। इन फ्राइज पे मसाला अच्छे से कोट हो चुका है। आप चाहें तो इसे डिप के साथ ऐसे ही खा सकते हैं, लेकिन मैं इसके ऊपर डिप ड्रिजल करने वाली हूँ।
तो है ना इनोवेटिव फ्राइड इडली की रेसिपी? तो देर किस बात की है, ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइए आपको ये कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं जल्द ही मिलती हूँ आपसे अपनी नई रेसिपी के साथ। टिल देन स्टे सेफ स्टे हेल्दी।